कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम किया। अब क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एक नया विंग खड़ा किया है, एसआईए के तहत। आपको पता होगा कि कल ही हम लोगों ने एक बड़ा अहम केस चालान किया है, जो हुर्रियत और पाकिस्तान के जो पिट्ठू हैं, जो पाकिस्तान नवाज दहशतगर्दी नवाज फोर्सेस हैं, उनको एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की सीटें बांट के दी जाती थी ताकि उनको बेच सकें और उसमें मुनाफा कमा सकें। उसमें कल ही पहला केस एसआईए की तरफ से चलान हुआ है। एसआईए को आधा दर्जन के करीब केस और आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी तफ्तीश करेंगे, और मुझे लगता है कि ये एक और नया विंग हमारा जो स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन का है, ये टेरर की और टेररिज्म की जो स्ट्रक्चर्स है उनको स्ट्राइक करने में और कमज़ोर करने में काफ़ी हद तक कामयाब होगा। क्राइम ब्रांच एडीजी स्पेशल डीजी अरुण चौधरी साहब देखते हैं, और काफ़ी अच्छा काम साल के दौरान रहा। 110 केसेस इन्होंने साल के दौरान रजिस्टर किए और इन्वेस्टिगेट किए, और 99 केस जो हैं वो कोर्ट्स में चलान किए गए। सो 110 की रजिस्ट्रेशन के बावजूद 99 केसेस का चलान पेश करना मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है। एएनटीएफ का एक और नया विंग जो पिछले साल हम लोगों ने खड़ा किया था, बहुत अच्छे तरीके से ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहा है। 20 केसेस एएनटीएफ के थानों में रजिस्टर किए गए और उसमें 20 लोग जो नार्को